आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप अपने आरसी कार्ड में करेक्शन कैसे करवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आरसी कार्ड में अगर आपका मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है तो मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस अपडेट करना है तो एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एनओसी जारी करवाना है तो एनओसी जारी करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप अपने आरसी कार्ड में करेक्शन ऑनलाइन कैसे करवा सकते हैं, आप अपने मोबाइल नंबर को आरसी कार्ड में कैसे बदल सकते हैं, कैसे आप चेंज करवा सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में, आप सभी का स्वागत। चलो शुरू करते हैं। अपने आरसी कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको परिवहन सेवा की ऑफिशियल साइट पर आना है। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं parivahan.gov.in, तो आप परिवहन सेवा की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। जैसे इस साइट पर आएंगे, इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेलेक्ट स्टेट नेम, तो यहाँ से आप अपने स्टेट का नाम सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना स्टेट सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको आ जाएगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे और यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के यहाँ पर आपको लॉग इन करना होगा। और यहाँ पर आप अपना डालेंगे और यहाँ पर आपको अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद सेलेक्ट RTO और यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रोसीड आ जाएगा, तो यहाँ पर आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अप्लाई फॉर चेंज एड्रेस हाइपोथिकेशन, अगर आपको एड्रेस चेंज करना है या फिर हाइपोथिकेशन आपको चेंज करवाना है, आपने अगर आपका आप इंश्योरेंस करवाया था आपने और इंश्योरेंस आपका कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर हाइपोथिकेशन यानी अगर आपने फाइनेंस करवाया था अपनी गाड़ी को और आपका फाइनेंस कंप्लीट हो गया है अमाउंट, तो यहाँ पर हाइपोथिकेशन आप करवा सकते हैं, यानी हाइपोथिकेशन आप हटवा सकते हैं। उसके बाद टू अप्लीकेशन बाय सेलर के द्वारा अप्लीकेशन या फिर बायर के द्वारा अप्लीकेशन। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको अपनी गाड़ी को सेल करना है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, तो यहीं से आप NOC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिन्यूअल करवा सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन को। उसके साथ ही आपको यहाँ पर कन्वर्जन मिल जाएगा ऑफ व्हीकल, यहाँ पर आपको जैसे RT पर्टिकुलर बहुत सारे RC कैंसिलेशन मिल जाएगा, यहीं पर आपको मिल जाएगा मोबाइल नंबर अपडेट। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर यस करेंगे, डू यू वांट टू प्रोसीड, यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर आप अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद चेंजेस नंबर फुल और इंजन नंबर फुल, अब यहाँ पर आप चेक करेंगे ये चेंजेस नंबर और इंजन नंबर आपके RC कार्ड पर प्रिंट रहता है, तो यहाँ पर आप अपना चेंजेस नंबर और इंजन नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। चेंजेस नंबर यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है उसके नीचे ही रहता है, काफ़ी बड़े अंकों में रहता है, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक रहता है। और उसके बाद इंजन नंबर डाल देंगे फुल, उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट आपको मिल जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन डेट भी आप चेक करेंगे तो आपके RC कार्ड पर प्रिंट रहता है, जैसे हमारे 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद कौन सा मंथ था, तो जैसे पहला मंथ ही था, और यहाँ पर कौन सी डेट थी आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फिटनेस वैलिड, कब तक यहाँ पर फिटनेस वैलिड है, तो यहाँ पर हमारा क्या है 2031 तक वैलिड है, 2036 तक, यहाँ पर हम 2036 यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 30 जनवरी तक हमारा वैलिड है, यहाँ पर हमने चूज कर लिया। और उसके बाद शो डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर हम शो डिटेल्स करेंगे, जैसे आप शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डिटेल्स वेरीफाई होगा और यहाँ पर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी। यहाँ पर जैसे आधार नंबर, इंटर नेम रजिस्टर्ड इन आधार, तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो नाम रहेगा वही नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर एज पर आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा वो मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहता है यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा एग्जिस्टिंग, यहाँ पर आपको जैसे वेरीफाई होगा, उसके बाद यहाँ पर अपडेट मोबाइल नंबर मिल जाएगा, तो अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। जाएगा इंटर मोबाइल नंबर एज पर आधार, अब यहाँ पर आपको जो भी मोबाइल नंबर अपडेट करना है वो मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए प्लीज नोट डू नॉट हैव कंप्लीट विजिट RTO गेटिंग डिटेल अपडेट अपडेटेड, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है
उसको आप अपडेट करा सकते हैं, अदरवाइज कोई और मोबाइल नंबर अपडेट कराएंगे वो मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जैसे हम अपना आधार कार्ड से लिंक वाला मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर जैसे हमारा मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पर एग्जिस्टिंग हमारा वाहन आ जाएगा। यहाँ पर अपडेट मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, हमारा मोबाइल नंबर सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अगर पहले से कोई दूसरा रहेगा उसको आप अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर वाला आप अपडेट करा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने आरसी कार्ड में मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट करा सकते हैं। आई होप दोस्तों की छोटा सा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। नीली 0 9 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आप तक लीजिए, टेक केयर।